मानगो में चल रही थी मिनी शराब फैक्ट्री। पूजा सीजन में खपाने की थी योजना, 20 लाख से ज्यादा की शराब जब्त। जमशेदपुर में त्योहारी सीजन में नकली शराब खपाने की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने मानगो में छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मानगो पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित पेट्रोल पंप के पीछे छापेमारी की और लाखों रुपए के नकली शराब को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने में उपयोग होने वाले स्प्रिट, शराब की खाली बोतल, ढक्कन और स्टीकर भी बरामद किया है। जब्त शराब की बाजार में कीमत 15 से 20 लाख की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त शराब का कारोबार कमल नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब फैक्ट्री चलाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस सभी शराब को जब्त कर थाने ले गई है। ये शराब त्योहारी सीजन में खपाने के लिए जमा की गई थी। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ था आज दोपहर में ही कि एक जगह एक फैक्ट्री चलाई जा रही है अवैध शराब की। उसी के क्रम में हम लोगों ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया था कि वो ग्रुप टू से पहले भौतिक सत्यापन कर लें, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी बड़ी बताई जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने वेरीफाई किया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे रेड करवाई। उसमें हम लोग को सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में जो है अवैध शराब बनाने के लिए हम लोगों को सामग्री भी बरामद हुई है और काफ़ी सारी पैक क्वांटिटी में भी अवैध शराब बरामद हुई है। किसका है ये, कुछ पता चला है अभी तक? इसके लिए कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, इसमें जांच के उपरांत ही हम लोग कुछ कमेंट करने के लिए सक्षम होंगे। कोई गिरफ्तारी किसी की अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, परंतु निश्चित रूप से इसमें केस रजिस्टर जब होगा उसमें अनुसंधान के क्रम में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की। कौन कौन सा ब्रांड का लेबल मिला है सर अभी तक? ज़्यादातर स्टर्लिंग रिजर्व का लेबल दिख रहा है, एक मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड का लेबल दिख रहा है, और भी लेबल्स होंगे जो कि अंदर कहीं रखे होंगे शायद। अभी हम लोग सब सामान निकाल ही रहे हैं, पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो रेट का सब जब्ती का कार्रवाई है। कितने के अभी तक लागत का होगा लगभग? अप्रॉक्सीमेटली जो पैक्ड बॉटल्स मिला है वो मूल्यतः अराउंड 5 लाख के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, और इनके पास रॉ मटेरियल काफ़ी था तो उसको बॉटल में भर के लेबलिंग करने के बाद और हमको लगता है 5 से 10 लाख के बीच की और शराब बरामद हुई है।